नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। केंद्र के कार्यक्रमों को सीरियस नहीं ले रहे 58 MLA। विधायक दल की बैठक में लोकसभा चुनाव प्रभारी ने विधायकों को दिखाया आईना। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही हरदा में हुए विस्फोट के चलते भाजपा विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई थी। गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र द्वारा दिए गए कार्यक्रमों को 58 विधायक गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। 20 MLA ऐसे हैं जो नमो ऐप पर एक्टिव ही नहीं है। बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा मुख्य रूप से मौजूद थे। बैठक का संचालन संसदीय कार्य एवं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और आभार लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने व्यक्त किया। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने आगे कहा कि हर विधायक को अपने क्षेत्र में 300 दीवार लेखन का काम कराना है। पार्टी नेतृत्व ने जो काम दिए हैं उनके विधायक पूरी तरह सक्रिय रहेंगे। तकनीक का युग है, आप जो भी करेंगे वो मॉनिटर किया जा रहा है। महेंद्र सिंह ने विधायकों का नाम लिए बिना पार्टी नेतृत्व द्वारा दिए गए कामों को गंभीरता से न लेने वाले विधायकों की संख्या बताई और ये भी कहा कि आप लोग पार्टी के कार्यक्रमों को गंभीरतापूर्वक करें। ये बात सुनकर कई विधायक बंगले झांकते देखे गए। 9 से 11 फरवरी के बीच चलेगा अभियान। बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने पार्टी के आगामी कार्यक्रम और अभियानों के बारे में विधायकों को जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र द्वारा गांव चलो अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान सफल हो इसके लिए विकसित भारत के संकल्प को लेकर प्रत्येक बूथ तक जाना है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत एम्बेसडर बनाना है, इसके लिए विधायकगण भी अभियान में जुटे। उन्होंने अभियान के करणीय कार्यों को जानकारी देते हुए कहा कि जिन बूथों पर हम कमजोर है उन्हें मजबूत बनाना है, साथ ही रात्रि विश्राम, लाभार्थियों से संपर्क और प्रत्येक बूथ के 5 स्थानों पर दीवार लेखन करना है। 9 से 11 फरवरी के बीच यह अभियान चलेगा। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं लाभार्थी है। 25 फरवरी से 5 मार्च तक लाभार्थी अभियान के माध्यम से हमें योजना के हितग्राहियों से संपर्क करना है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का भाग्य उदय हो रहा है। डॉक्टर मोहन यादव बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मैं विधायकगण जनसमस्या शिविरों और आमजन के साथ निरंतर संपर्क के माध्यम से उनकी समस्याएं सुलझाने के लिए सक्रिय रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का भाग्य उदय हो रहा है। आज विभिन्न विकास कार्यों के साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से उनका प्रचार भी आवश्यक है। विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर विभिन्न निर्माण कार्यों का पूरा करवाने के साथ ही उनकी जानकारी नागरिकों तक पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो अनुकूल वातावरण है उसमें विस्तार करते हुए लोकसभा निर्वाचन में मत प्रतिशत बढ़ाने का कार्य होना चाहिए। इसके लिए मतदान केंद्र के अनुसार विजय के संकल्प को ध्यान में रखकर भूमिका निभाई जाए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन। शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।